हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, ये कोरोना वायरस का इमेज एडिटिंग देखे हैं, इस तरह का इमेज आप भी एडिट कर सकते हो। इसके लिए हमें एक पिक्स आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ ही एक बैकग्राउंड इरेजर की। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद 3-4 PNG की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको भी डाउनलोड करना है। इतना करने के बाद पिक्स आर्ट में आना है, पिक्स आर्ट को ओपन करना है, यहाँ से डाटा को ऑफ रखना है और प्लस के आइकॉन पे आ जाना है। यहाँ से आने के बाद एक बैकग्राउंड को ले लेना है, तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ इस तरह का और ओके करता हूँ। यहाँ से उतना करने के बाद एड फोटो पे आएंगे प्लस के आइकॉन पे, और यहाँ से अपने बैकग्राउंड PNG ले लेंगे। आपको भी अब बैकग्राउंड PNG बना लेना है और इस तरह से इसको छूट कर देना है। इतना करने के बाद फिर से प्लस के आइकन पे आना है और यहाँ से एक मास्क वाले को ले लेना है, मास्क वाले PNG को इस तरह से छोटा करके नाक के साइड पे सेट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको सेट करता हूँ। इतना करने के बाद नीचे के ओके करना है। ओके करने के बाद यहीं से आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा नीचे के साइड में, तो मैं यहाँ से ड्रॉ के ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यदि यहाँ क्लिक करना है ड्रॉ के ऑप्शन पर, फिर इसको क्लिक करना है, करके रखना है, और यहाँ से साइज को थोड़ा, ओपेसिटी को थोड़ा बड़ा करना है एकदम, और साइज को थोड़ा कम कर देना है। इतना करने के बाद सेट करना है जो फोटो को जूम करना है, और इस तरह से मास्क के साइड से इस तरह से चिन्ह दे देना है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ, फिर नीचे के साइड से भी इसी तरह से आपको दे देना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसके बगल वाले पेंसिल पर आएंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे जो, तो इसके लिए हम क्या करना होगा, ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ, पतला सा ऑफसेट करता हूँ, और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। कान के ऊपर साइड में कुछ ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको भी उसी तरह से निकाल देता हूँ, कट कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ, और यहाँ से ओके करना है। फिर इस तरह से इधर भी आना है और इसको भी जूम करना है, और यहाँ से इस तरह से चिन्ह दे देना है। फिर नीचे साइड से भी इस तरह से इसको दे देना है। रिमूव के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद फोटो को इस तरह से मेरा बन गया है। अब यहाँ से हमको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से हमको एड फोटो पे आना है, और यहाँ से हमको एक हाथ वाले PNG को ले लेना है। तो मैं यहाँ से एक हाथ वाले PNG को ले लेता हूँ और इसको इस तरह से सेट करने का प्रयास करता हूँ। तो अब तो मैं इस तरह से मेरा जो PNG है सेट हो जाता है। फिर से एक और एड फोटो पे आएंगे और यहाँ से हम एक और PNG को ले लेता हूँ और इसको यहाँ से इस तरह से सेट करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये भी सेट हो गया। फिर एक और लेता हूँ एड फोटो पे और यहाँ से एक और PNG एड कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो हमको ऊपर की तरफ पेंसिल के साइड पे आ जाना है और यहाँ से ड्रॉ के ऑप्शन पर आके साइज को इस तरह से बड़ा करके और इस तरह से रिमूव कर देना है इसको, हाथ से घस के, अपनी उंगली से घस देना है और इस तरह से हाथ को रिमूव कर देना है। न करने के बाद यहीं से हमको हाथ वाले PNG को क्लिक करना है और ऑपेसिटी को इस तरह से कम कर देना है। कुछ ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो इसे कम कर देना है। फिर इसको भी क्लिक करना है और इस तरह से थोड़ा कम कर देना है। इतना करने के बाद एड फोटो पे आना है हमको और यहाँ से कोरोना वायरस वाले PNG को ले लेना है और इसको ऑपेसिटी कम करके इस तरह से जहाँ मन करे आप वहाँ सेट कर सकते हो, आप अपने PNG फोटो के हिसाब से। मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, यहाँ सेट हो गया लगभग से अच्छा से। तो चलिए एक और ले लेता हूँ, एड फोटो पे आते हैं
और यहाँ से एक और PNG ले लेता हूँ और इसका ऑप्सिटी थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ। फिर एक और लेना है और यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। इस तरह से आपको जितना मन करे उतना सेट कर सकते हो, जहाँ मन चाहे वहाँ सेट कर लेना। इतना करने के बाद ओके करना है और टेक्स्ट के ऑप्शन पे नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से कोरोना लिखता हूँ और यहाँ से इसको ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से सेट करता हूँ, कुछ बड़ा करके। इतना करने के बाद सेट हो जाता है। तो मैं इधर नीचे साइड में कुछ फॉन्ट में कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, जैसे स्टाइल में आप देना चाहते हो उसे दे सकते हो। तो मैं इसको इतना ही रहना देता हूँ और यहाँ से बगल के साइड में कलर में आता हूँ तो बहुत से कलर दिखते हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी कलर ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको इतना करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमको फिर से यहाँ से टूल के ऑप्शन पे आना है। ओके करने के बाद डिस्प्रेशन में आ जाना है और यहाँ से साइज को कुछ इस तरह से कम कर लेना है, बड़ा छोटा आप जैसा मन करे वैसा कर लेना, और कुछ इस तरह से पेंट कर देना है दो तीन जगह। मैं कर देता हूँ ताकि इमेज है कुछ स्क्रेच टाइप का मेरा दिखना लगे। तो मैं इतना करने कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो मेरा इमेज है कुछ इस तरह से स्क्रेच टाइप का दिख रहा है। इतना करने के बाद यही से हमको ब्लेंडिंग मोड दिख रहा है। तो मैं यहाँ इस पर आता हूँ, कुछ इफेक्ट दिखता है। तो आपको यहाँ से पसंद पड़े तो इफेक्ट लेना, नहीं तो बैक आओगे तो वहाँ से इफेक्ट का दिखेगा, वहाँ से भी ले सकते हो। तो मैं इसे यहीं से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ऊपर के साइड में एरो का ऑप्शन देकर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपनी इमेज को सेव कर देना है इस तरह से। तो मेरा इस तरह से इमेज जो है सेव हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।